एप्लीकेशन ऑफ TIR में एक और एप्लीकेशन है, और क्या एप्लीकेशन है? टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। NCERT में ये एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि आप एक आइसोसेलस प्रिज्म कंसिडर करो, और जो ऑब्जेक्ट है और इमेज के बीच में, या लाइट को रिफ्लेक्ट करवाओ 90 डिग्री से, 180 डिग्री से। दो केस बनेंगे, लाइट आएगी 90 में मुड़ जाएगी, लाइट आएगी 180 पे चली जाएगी। ये डायग्राम शो करके दिखाओ और जिसके अंदर TIR यूज होता हो। तो हम पहला डायग्राम ये बनाएंगे जिसके अंदर ये ट्राइंगल है, आइसोसेलस प्रिज्म है ये। हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख लेंगे, यहाँ से सीधा रेज आ रही हैं। अब कायदे से तो क्या होगा, रेज बाहर निकल जानी चाहिए बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पर यहाँ पर क्या हुआ होगा, TIR। तो TIR की वजह से अंदर अंदर रह गई, और यहाँ क्या होगा, ये नॉर्मल की नॉर्मल के साथ ही रेज आ रही हैं, तो बेंडिंग तो होगी नहीं, तो सीधा चली गई। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ऊपर वाली रे इधर आ गई, नीचे वाली रे इधर आ गई, तो ऑब्जेक्ट देखो ये रे 90 डिग्री रिफ्लेक्ट हो गई। ये समझ में आ रहा है, 90 डिग्री मुड़ गई बिकॉज ऑफ TIR। अगर TIR ना होता तो रे सीधा रिफ्रैक्ट होकर बाहर आ जाती। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये डायग्राम वो पूछेगा कि 90 डिग्री लाइट को रिफ्लेक्ट करके दिखाओ आइसोसेलस प्रिज्म में और यूजिंग TIR। तो ये डायग्राम बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन आ सकता है NCERT में ही, 180 घुमा के दिखाओ। अब 180 में क्या करना है, प्रिज्म की डायरेक्शन चेंज कर देनी है आपने, लाइट को यहां से लेके आना है। आपने ये बोलना है यहां पर TIR हुआ होगा, अदरवाइज लाइट तो बाहर निकल जाती, तो यहां पर एक TIR, फिर यहां हिट करेगी, यहां पर दूसरा TIR, बाहर निकलने की बजाय इधर बेंड हो गई, तो लाइट 90 इधर, 90 इधर, तो इधर गई थी वापस आ गई, 180 रिफ्लेक्ट होके आ गई। तो ये दो डायग्राम आपने याद रखने हैं। अगर प्रिज्म का TIR आएगा, 90 डिग्री घुमाने को कहेगा तो पहला डायग्राम, और 180 घुमाने को कहेगा तो दूसरा डायग्राम। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक है, आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, 180 का ये भी केस बन सकता है। यहां से लाइट आई, रिफ्रैक्ट हो गई, यहां पर बाहर निकलनी चाहिए थी पर TIR हो गई, यहां पर हिट किया, रिफ्रैक्ट हो गई। तो देखो ऊपर वाली लाइट नीचे आ गई और नीचे वाली ऊपर, 180 शिफ्ट हो गया। वैसे ये वाला डायग्राम ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा क्लियर है, दिख रहा है कि 180 वापस आ गई। तो आप दो डायग्राम याद कर लें, ये पहला डायग्राम 90 वाला और ये 180 वाला। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो ये आएगा पेपर में। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर्स, मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था लेक्चर में, एक वीडियो भी दिखाया था जिसके अंदर वो पानी के अंदर लाइट TIR होती हुई दिख रही है, और समझाया भी था कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर बेस्ड है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर है कि जो वायर है वो फाइबर की फॉर्म में ली जाती है। फाइबर छोटे छोटे ग्लासेस होते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे ये एक फाइबर से बनी हुई वायर है और इसके अंदर एक और वायर है, ये अलग मटीरियल से बनी हुई है। ये वाला मटीरियल क्या रखा जाता है, डेंसर, और ये वाला क्या रखा जाता है, रेयरर। लाइट जो है उसको एंटर करवाया जाता है, यहां पे एंटर करवा दिया। अब कायदे से लाइट को बाहर निकल जाना चाहिए रिफ्रैक्शन की वजह से, डेंसर टू रेयरर, पर होता क्या है, यहां पर एंगल आई बन जाता है ग्रेटर देन क्रिटिकल, तो लाइट अंदर ही रह जाती है। फिर यहां पर फिर हो जाता है TIR, अंदर रह जाती है, फिर TIR, फिर TIR, बाहर निकल ही नहीं पाती और सीधा एंड पॉइंट पे बाहर निकलती है। तो हम क्या करते हैं, अपने जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लाइट में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। तो मैंने एग्जांपल भी दिया था, आजकल जो इंटरनेट है या हम फोन पे बात करते हैं, ये सब ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू है। हम जो बात कर रहे हैं या हम कोई इंटरनेट पे कोई काम कर रहे हैं, कोई डेटा सेंड कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया जाता है इन लाइट सिग्नल। मॉडम यही काम करता है, तो मॉडम कन्वर्ट करेगा लाइट में, तो स्पीड ऑफ लाइट से सिग्नल जा रहा है, और फिर एंड पॉइंट पर एक और मॉडम लगा होगा जो लाइट को वापस कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और कंप्यूटर के ऊपर फिर डेटा जाएगा। तो ये ऑप्टिकल फाइबर की एप्लीकेशंस है। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर का, बुक्स में डायग्राम गिवन है पर इतना आता नहीं है, पर दो ही चीजें सीख सकते हैं इसमें। ये तो आउटर कवरिंग है ऑप्टिकल की, ये तो प्लास्टिक की कवरिंग या कैसी कवरिंग है, आउटर कवरिंग है। ठीक है, तो इसके अंदर दो मटीरियल हैं, एक आउटर और एक इनर। लाइट ये डेंसर है और ये रेयरर है। डेंसर वाले मटीरियल को बोला जाता है कोर, और इस मटीरियल को बोला जाता है क्लैडिंग, कोर एंड क्लैडिंग।
बस, तो लाइट इसमें कोर में एंटर करते हैं और कोर में रह जाती है। तो ऐसा कुछ इसका एग्जाम्पल है, हालांकि आता नहीं है कोर और क्लैडिंग के ऊपर, बस ये आ सकता है ऑप्टिकल फाइबर्स को एक्सप्लेन करो इसमें TIR कैसा होता है NCERT में वो भी। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर कहाँ कहाँ काम आती है, जैसे फर्स्ट है ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय कन्वर्टिंग इनटू लाइट सिग्नल। अभी मैंने एग्जांपल दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करने के काम आती है और लाइट सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल करता है। और दूसरा टेलीफोन्स एंड ट्रांसमिटिंग केबल्स में, टेलीफोन जो है वो भी इसके ऊपर काम कर सकता है। तीसरा है मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, तो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में तो ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो मेडिकल के अंदर कैसे, पेट के अंदर अल्सर है, पेट का अल्ट्रासाउंड बोलता है डॉक्टर, क्लियर नहीं आता, कभी शेडो ज़्यादा आती है अल्ट्रासाउंड में, क्योंकि जो आपका स्टोमेक है वो थोड़ा इनसाइड है तो अल्ट्रासाउंड प्रॉपर नहीं आएगा उसका, सीटी स्कैन भी प्रॉपर नहीं आएगा, उसको प्रॉपर देखना है डॉक्टर को, तो वो आपके मुंह से ऑप्टिकल फाइबर पास कर देगा पेट तक, तो बहुत पतली वायर होती है ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर पास करेगा और वहाँ से लाइट सेंड करता है, तो लाइट उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर TIR करती करती नीचे जाएगी और लाइट जगेगी, तो देख लेगा उस पेट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, सिंपल। तो ऐसे ही हार्ट के अंदर यही है, ऑपरेशन करने से पहले देख लिया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, सब ऑप्टिकल एंजियोग्राफी है, ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड है, कुछ भी नहीं है, वो वायर डालते हैं लाइट जगाते हैं, वहाँ से सब क्लियर दिखता है कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक, तो ऑप्टिकल फाइबर्स ही ऑप्टिकल फाइबर्स हैं।